एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेक फॉर यू में। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीएससी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले कि आप लोग अपने यहाँ की मनरेगा लिस्ट कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि मनरेगा लिस्ट कैसे देख सकते हैं, तो हम सीधा आपको लेकर के चलते हैं आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मनरेगा लिस्ट, मनरेगा की वेबसाइट है narega.nic.in। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सीधा वहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आपको सिंपली कहीं नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, स्टेट आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट चुनना है। तो जैसा कि हम अपना उत्तर प्रदेश चुन लेते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। तो जैसा कि हम अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप अपना ब्लॉक चुनेंगे। तो हम यहाँ पर अपना ब्लॉक चुन लिए। तो ब्लॉक चुनने के बाद आप यहाँ पंचायत देख सकते हैं। तो अपना यहाँ से आपको पंचायत निकालना है। तो हम अपना पंचायत यहाँ से निकाल लिए हैं। पंचायत आप पंचायत खोल के कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको IPPE के नीचे है रजिस्टर एप्लीकेशन, रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे गांव की जो मनरेगा लिस्ट है वो खुलकर के सामने आ गई है। तो यहां पर आप नाम देख सकते हैं, जैसा कि नाम देख सकते हैं, मेल फीमेल, एज देख सकते हैं, और कार्ड कब बना, एक कार्ड नंबर। तो आप बड़ी आसानी से अपने यहाँ की मनरेगा लिस्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैंने एक वीडियो बनाया था ड्राइवर के ऊपर। अगर आपको आपके PC पर कोई ड्राइवर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।